हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस पार्ट में हम क्या करने वाले, पहले इस पे बात करते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस पार्ट में हम क्रिएट करेंगे अप्लाई जॉब, या फिर जॉब अप्लाई करने के लिए एपीआई क्रिएट करेंगे, और जितनी भी हमने जॉब को अप्लाई किया उसको फेच करने के लिए, लिस्ट लेने के लिए एपीआई क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पीएचपी आर्टिशन में कंट्रोलर और दो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो पहले एपीआई प्लस जॉब अप्लाई कंट्रोलर हाइफन हाइफन, इससे कोई मेरा स्पेस नहीं हो रहा, इनवोकेबल, एंटर किया मैंने। तो सेकंड क्रिएट करते हैं अप्लाइड जॉब, अप्लाइड जॉब लाइक दिस, एंटर। अब मैंने ये क्रिएट कर लिया तो राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। चलो यार, एपीआई डॉट पीएचपी, एंड यहां पे इसको करते हैं डुप्लीकेट टू टाइम्स या फिर वन टाइम्स, कोई नहीं, वन टाइम करते हैं जॉब हाइफन अप्लाई, राइट। और यहां पे हमारा कंट्रोलर होगा जॉब अप्लाई कंट्रोलर लाइक दिस। एक बार और डुप्लीकेट करते हैं और यहां पे करते हैं मेथड को गेट, एंड यहां पे टाइप करते हैं अप्लाइड हाइफन जॉब लाइक दिस। और यहाँ कंट्रोलर हमारा क्या होगा, अप्लाइड जॉब्स कंट्रोलर लाइक दिस। तो पहले कौन सा क्रिएट करें, चलो यार कोई भी क्रिएट कर लेते हैं, पहले अप्लाइड जॉब पे करते हैं। अब अप्लाइड जॉब पे क्या करना पड़ सॉरी क्या करना पड़ेगा, देखो मैं दिखाता हूँ हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज की है। मैं यहाँ पे जाऊंगा माइग्रेशन में और एप्लीकेशन पे जाऊंगा। एप्लीकेशन हमारा क्या है, जॉब लिस्टिंग आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए, रिज्यूम आईडी चाहिए, स्टेटस चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉलर रिक्वेस्ट एरो वैलिडेट जॉब अंडरस्कोर लिस्टिंग आईडी रिक्वायर्ड है, एंड एग्जिस्ट, ये डाटा एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये जॉब यहाँ पे टेबल नेम टाइप करेंगे जॉब लिस्टिंग, और कॉलम का नाम यानी कि आईडी, ये आईडी एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई रॉन्ग आईडी डाल देते तो नहीं काम करेगा। दूसरा है रिज्यूम आईडी, रिज्यूम अंडर स्कोर आईडी, ए बी रिक्वायर्ड एग्जिस्ट रिज्यूम्स लाइक दिस। हमारा हो गया वैलिडेशन। यहाँ पे सेमी कॉल, सॉरी कॉमा, सेमी कॉलन, देखो सेमी कॉलन और कॉमा मेरे मुझे हो जाता है कंफ्यूजन, तो दिक्कत में होता है ना। चलो एप्लीकेशन कॉलन कॉलन क्रिएट लाइक दिस, लाइक दिस यूजर आईडी, ये शॉर्ट वीडियो होगा, और यूजर आईडी जॉब लिस्टिंग आईडी, काम करते हैं यार, डुप्लीकेट कर देते हैं क्यों, टाइम पास किया जाए, लाइक दिस एरो डॉलर रिक्वेस्ट लाइक दिस। वन टाइम और डुप्लीकेट करते हैं, यहां पे डालते हैं रिज्यूम आईडी, फटाफट हो गया। और लास्ट एंड फाइनल स्टेटस एरो एप्लीकेशन स्टेटस कॉलन कॉलन अप्लाइड लाइक दिस, यहां पे भी सेमी कॉलन। अब देखो हमारा क्या हुआ, ये चीज देखना इंपोर्ट होना चाहिए टॉप पे, पता चलेगा आपको मैं आपका आ रहा है मेरा एरर, तेरा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बस क्या है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मैसेज अप्लाइड सक्सेसफुली, अभी मैं देखता हूं यार,
इतना गलती मैंने किया यार, गजब बेइज्जती है। SUCC EWS सक्सेसफुली हो गया, सही सक्सेसफुली राइट लाइक दिस। अब देखो हमने ये काम कर लिया यहाँ पे, चलो यार एक जॉब अप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा API तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और मैंने जब टेस्ट किया था तो ऑलरेडी टेस्ट किया था, ये डाटा हमारा एडेड ही है, बस यहाँ पे हिट कर देना है सेंड। देखो ये आ गया ना मैसेज, अप्लाइड सक्सेसफुली, जॉब लिस्टिंग ID 4, रिज्यूम ID 2, राइट, क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट करती है। चलो अब मैं चलता हूँ दूसरे वाले पे, जो कि है इसको मैं बंद कर देता हूँ, और API अप्लाइड जॉब यहाँ पे चलता हूँ, अप्लाइड जॉब वाले पे इसको मैं ऐसे करता हूँ, और यहाँ पे जाएंगे जितने भी हमारे एप्लीकेशंस है ना इसको स्टोर करेंगे, डॉलर अप्लाइड जॉब इक्वल टू एप्लीकेशन कॉलन कॉलन वेयर। अब ये भी तो हमें देखना है, जिस यूजर का हो बस उसी का है, मनीष पता चले कोई भी क्रिएट करे सबको दिखने लगे, इसको भी तो वैलिडेट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आईडी लाइक दिस, एंटर, मर्जी आपकी, एंटर करो या ना करो, गेट, मैं पेजिनेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, मैं पेजिनेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मैसेज, और मैसेज तो मैं बस वैसे ही डाल लेता हूँ, SUCCEWS सक्सेस, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐड करते हैं जॉब एरो डॉलर अप्लाइड जॉब्स, बस इतना ही था। नीचे मैं ऐसे कर देता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सेंटर कर देता हूँ, सही है, परफेक्ट। देखो मेरा मैसेज क्यों क्योंकि ताकि मैं डायनेमिक कभी भी मैसेज चेंज कर सकूं, यदि हमें दिखाना हो तो, नहीं दिखाना है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि दिखाना है तो मैं यहाँ पे मैसेज कभी भी चेंज कर सकता हूँ, राइट, दैट्स गुड, बस इतना ही के लिए था हमारा गाइस, हो गया। तो चलो यार फेच करते हैं ना, थंडर क्लाइंट, थंडर क्लाइंट एंड अप्लाइड जॉब मेथड हमारा गेट है, चलो हिट करते हैं और देखते हैं कितना फिट आता है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, कितना आ रहा, 1 2 3 आ रहा है ना, दैट्स गुड, हमारा आईडी आ रहा, जॉब लिस्टिंग आईडी आ रही है, यूजर आईडी आ रही है, रिज्यूम आईडी आ रहा। अब देखो ऐसे तो हमें चाहिए नहीं यार, हमें यहाँ पे आई थिंक रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एंटर करके लाइक दिस करता हूँ, यहाँ पे क्यूरी क्रिएट कर देता, थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाएगा, और यहाँ पे विथ कर देता हूँ, विथ, और ये काम करते देखते कौन कौन सा इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अभी तो कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं है, तो हमें रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। देखो जॉब लिस्टिंग आईडी आ रही, यूजर आईडी आ रही, रिज्यूम आईडी आ रही, ये तीनों का रिलेशन हमारा, सॉरी, क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखे किस वाले में है, किसी में हो तो बस कॉपी पेस्ट मार देते हैं फटाफट, जॉब लिस्टिंग में, जॉब लिस्टिंग में तो होगा नहीं, जॉब लिस्टिंग में स्किल्स का है, स्किल नहीं चाहिए, यूजर में चलते हैं, यूजर में रिज्यूम्स का है, बट यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिज्यूम होगा, बिलोंग्स टू, क्योंकि इसमें जितना भी होगा सारा का सारा बिलोंग्स टू होगा, बिलोंग्स टू, और यहाँ पे बिलोंग्स टू, और यहाँ पे हो जाएगा ये रिज्यूम ही रहेगा। अब देखो दूसरा क्या था हमारा, रेस्पॉन्स में आया यूजर एंड जॉब लिस्टिंग आईडी, चलो तो बस इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, पता नहीं मैंने कॉपी किया कि नहीं, मुझे तो नहीं याद है, बट मैं 2 टाइम डुप्लीकेट करता हूँ, एक टाइम मैं यूजर करता हूँ, यूजर, और यहाँ पे कर देंगे यूजर लाइक दिस, और एक हो जाएगा जॉब, जॉब तो है यार,
हाँ जॉब ही रहेगा, जॉब्स। हाँ जॉब लिस्टिंग आईडी जॉब मैं कर दूंगा, जॉब। और ये हो जाएगा बिलोंग्स टू, ये क्या आ गया, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया। जॉब लिस्टिंग लाइक दिस हो गया। अब इन तीनों को मैं यहाँ पे लोड करवा दूंगा। रिज्यूम, यूजर एंड जॉब। अब देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है गाइस। बहुत सारा लंबा चौड़ा आएगा, देखो आ रहा है ना। अब ये तो हमें, ये मैं आपको टास्क दे देता हूं, मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट में आपको कमेंट करना है इस वीडियो में, यदि आपने कर लिया तो, और कितने टाइम के अंदर कर लिया। हमें आप फर्स्ट वीडियो देखो, उस पे जो भी हम लोगों ने यूआई क्रिएट किया है, उस हिसाब से हमें कौन कौन सा डाटा यहाँ से चाहिए, बस वही डाटा हमें यहाँ पे दिखाएंगे रिसोर्स क्रिएट करके। अब ये डाटा तो आप, चलो कोई नहीं, आप ये मत फिल्टर करो, बस रिसोर्स में इसको कन्वर्ट कर दो, ताकि ये आप, ये क्रिएटेड ऐड डिलीटेड ऐड ये हट जाए। देखो जॉब्स के अंदर का तो रहेगा, लेकिन रिज्यूम के अंदर का, यूजर के अंदर का, ये सारा क्रिएटेड ऐड डिलीटेड ऐड हट जाना चाहिए, राइट? और रिक्वायर्ड है तो रहेगा, मतलब जो चीज रिक्वायर्ड बस वही रखो, फालतू की चीजें हटा देना चाहिए रिसोर्स क्रिएट कर। ये टास्क मैं आप लोगों को देता हूं इस वीडियो में, इतना ही। देखो मैंने ये लोड तो करवा दिया ना, इसको मैं बंद करता हूँ। मैंने ये रिलेशनशिप क्रिएट करके लोड करवा दिया। अब आपको क्या करना है, एक रिसोर्स क्रिएट करना है, मैं कर देता हूँ, क्यों फालतू का पंगा लिया जाए। क्रिएट रिसोर्स, और यहाँ पर कर देता हूँ एप्लीकेशन रिसोर्स, AWPLICATA, या फिर अप्लाइड एप्लीकेशन, या फिर फॉर्म रिसोर्स, अप्लाइड जॉब 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 रिसोर्स, राइट? लाइक दिस मैं कर देता हूँ। देखो मैंने गलत टाइप कर दिया है, AWP, उसको मैं एक डिलीट कर दूंगा जो एक्स्ट्रा क्रिएट किया हुआ है। बता देता हूँ, मैं फॉर्मेट तो नहीं करूंगा, लेकिन ये वाला मुझे डिलीट करना है। ये मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपको रिटर्न कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस यहाँ पे कर दूंगा अप्लाइड जॉब रिसोर्स कॉलन कॉलन कलेक्शन, और यहाँ पे पास कर देंगे अप्लाइड जॉब लाइक दिस। और यहाँ पे मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आया हुआ, जैसा था वैसे ही होगा, राइट? सो लेट्स टेस्ट इट। देखो वैसे ही है ना। तो गाइस देखो, हमने ये पार्ट भी सबसे शॉर्ट पार्ट था आई थिंक, और हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। यदि आप नहीं कर पाओगे, तो जब हम एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे, तब तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, फॉर्मेट है, रिसोर्स क्रिएट ही करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार। इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन डेवलप करने वाले, यानी कि नेक्स्ट पार्ट का रिएक्ट स्टार्ट करेंगे आप डेवलपमेंट।